सपना था इंटर मैं कर लूंगी मम्मी टॉपर, उसके बाद मैं दरिंदा को फांसी दीजिए। आप लोग आए उसको आईएएस बनना था, आईएएस को आईएएस का सपना पूरा कीजिए। भाजपा सरकार को बोलिए, बिहार सरकार नहीं सुन रहा, भाजपा को बोलिए कि दम हमको बेटी को उसको इंसाफ दिलाइए, घर को फूटिए, उसका परिवार को फूटना होगा आप लोग को। और चिराग भैया और भाजपा सरकार, हम नीतीश सरकार को इसलिए नहीं बोल रहा है कि अभी तक प्रशासन पर नहीं बोले के लिए भाजपा के विधायक है। भाजपा सरकार को बोलिए, बिहार सरकार नहीं सुन रहा, भाजपा को बोलिए कि दम हमको बेटी को उसको इंसाफ दिलाइए, दरिंदा को फांसी दीजिए। आप लोग आए उसको आईएएस बनना था, आईएएस को आईएएस का सपना पूरा कीजिए, दरिंदा को फांसी दीजिए, और उसको घर को फूटिए, उसका परिवार को फूटना होगा आप लोग को। और प्रशासन अभी तक नहीं आई है, उसको फूटिए। इसका बड़ी बहन, उसका छोटी बहन, ईआईपीए ग्रेजुएशन कर ले, आगे पढ़ाई जारी कर रही है। उसका सपना था इंटर मैं कर लूंगी मम्मी टॉपर, उसके बाद मैं जाऊंगी चिराग भैया और भाजपा सरकार, हम नीतीश सरकार को इसलिए नहीं बोल रहा है कि अभी तक प्रशासन पर नहीं बोले, इसीलिए हमको सरकार दीजिए इंसाफ, फांसी दीजिए हमको, सामने फांसी दिला दीजिए सर, दो दिन के अंदर एक दिन के अंदर उसको बुलाइए। और दलित के साथ जिस प्रकार बिहार में घटनाएं हो रही है, आज यहां पर घटना हुआ है, पूरा परिवार और पूरे गांव के लोग, यहां के सारे लोग इस बड़ी घटना से दुखी हैं। लेकिन बिहार सरकार पूरी तरह जो पदाधिकारी यहां का है, इनमें मैं आया यहां का थाना प्रभारी, जब से आया है इस प्रकार का घटना और उसकी लापरवाही सामने देखने को मिलता है। केवल दारू बालू माफिया के पीछे पूरे पुलिस प्रशासन पड़ा हुआ, लेकिन जिस प्रकार से मसौढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में हब बना हुआ, ये बच्ची, दलित की बच्ची, अनुसूचित जाति हम लोग के परिवार के बच्ची मसौढ़ी में रहकर पढ़ती थी, और वहां पर उसकी माता ने सपना देखा था कि हमारी बेटी पढ़ के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनेगी, और उसकी माँ के सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उसकी बच्ची को जिस प्रकार से हत्या किया गया। तो इस प्रकार से दलित समाज के साथ बिहार में अन्याय हो रहा है। बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, बिहार के लोगों को चिंता नहीं है, बिहार के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिए, बिहार के लोगों को कोई मतलब नहीं रह गया है, ये बिहार में जंगल आज आ गया है। ये अभी आपको यहाँ आपने मसौढ़ी की बात, कल आपने कैमूर में इस एक महिला के साथ, दलित परिवार के महिला के साथ इस प्रकार की अमर्यादित घटना घटा, शर्मसार कर दिया। वैशाली जिला के पातेपुर में मैनेजर सानी को 10 गोली मार के ऐसे 4 रोज पहले हत्या कर दिया गया। तो ये लगातार प्रत्येक दिन बिहार के अंदर जिस प्रकार से हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटना हो रही है, इससे लगता है बिहार में जंगल आज नहीं, बिहार के अंदर गुंडा राज स्थापित हो गया है। और बिहार के नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और बिहार विधानसभा के सदस्य होने के नाते हम सबों का अधिकार है कि ये बिलकती हुई होती हुई माँ को न्याय मिले, और जिसने भी इनकी बच्ची की हत्या किया है, इसके सपना, अधूरा सपना को पूरा करना, जो माँ चाहती थी हमारी बेटी आईएएस बने, आईपीएस बने, वो इसके अधूरा सपना को जिस प्रकार जिसने भी कत्लेआम किया है, वैसे लोगों को फांसी होगा, और अगर वैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है
और कुछ सजा नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में आंदोलन खड़ी करेंगे। एक सप्ताह के अंदर उसको गिरफ्तारी नहीं होता है तो डीजीपी से मिलकर उसको, इस महिला को और उस बच्ची के साथ की गई घटना के न्याय के लिए हम लोग मांग करेंगे। अगर उस पर भी अगर न्याय नहीं मिलता है यह जदयू और आरजेडी की सरकार में, तो बिहार के अंदर एक बड़ी आंदोलन खड़ा करेंगे।